नहीं है, हम बाबा साहब के मिशन में लगातार काम कर रहे हैं हम लोग। आपको जानकारी के लिए बता दूं, अरविंद केजरीवाल का जन्म जो हुआ था दलित आंदोलन से हुआ था, हरियाणा में उसने सबसे बड़ा प्रोग्रेस किया था आरक्षण को लेकर। तो क्या इस देश के जो वंचित लोग हैं क्या उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल दलित विरोधी है? देखिए, अगर मैं किसी ब्राह्मणी से शादी कर लूं और उससे जो बच्चा पैदा हो जाए ना, हम उससे भी उम्मीद नहीं कर सकते हमारे मिशन में काम करेगा, क्योंकि ना क्योंकि खून में मिलावट हो जाती है। और ये तो प्योर बढ़िया है, या तो एक गांधी था जो बाबा साहब के खिलाफ था और मरने के बाद ये नया गांधी आ गया है जो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ है। लोगों को इस नीली क्रांति से दिक्कत है, ये बीमारमी जैसे लोग कहां से पैदा हो गए, उपकार बावरा जैसे लोग कहां से पागल आ गए। अरे हम पागल नहीं है, हम इस आंदोलन के शहीद बनेंगे, बाबा साहब के लिए मरेंगे। तो राजेंद्र गौतम आ जाए ना सामने, बताए, जवाब दे हमारी बातों को, हमें भी बुला ले प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अरे राजेंद्र गौतम, तू बाबा साहब का जन्मदिन तक नहीं मना पाया, तू कहेगा मंत्री? ये हमें बेवकूफ बनाने के लिए बिठाए जाते हैं लोग, इनकी औकात नहीं सिफारिश अपनी लुगाई भी कर दे इस सरकार में। ये मर्सिडीज में कुत्ते को नहा दोगे शैंपू से बिठा देते ना, वैसे ही एमएलए मंत्री है ये। देखिए, नहीं मिलेगा ना, हक लड़ाई जो ना वो छीनने से मिलती है। और दलित जो ना आतंकवाद अधिकार समझ चुका, आज हमारे बहन बेटियां सड़क पे हैं, आज वाल्मीकि सड़क पे है जो सबसे बड़ा मनुवादी होता था, आज सारे लोग सड़क पे हैं। आज सबको पता चल गई कि अगर कोई रास्ता है तो बाबा साहब अम्बेडकर का रास्ता है, और सत्ता ही सारे तालों की चाबी है। अब की बार चूड़े चमारों की सरकार होगी दिल्ली में, और वो सारी चीजें हम अपने आप कर लेंगे, सारे तैयार है।